अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज के इस जॉब के अंदर मैं बात करूँगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर न्यू जॉब की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या मैनुअली अप्लाई करेंगे, तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अनदर रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू जॉब्स की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है pakyes.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ सामने आपके पास जो लिंक है, आपने सिंपली इसको इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे पाकिस्तान एयर हेडक्वार्टर जॉब्स, पाकिस्तान एयर फोर्स जॉब, ये जो लेटेस्ट जॉब की है, आपने सिंपली इसके ऊपर, इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सा है, लोकेशन हैदराबाद और इस्लामाबाद के अंदर पोस्ट रिक्वायर्ड है, बट पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन इसके अंदर FA, BA, BA, BE, DAE और मास्टर्स की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वैकेंसीज मल्टीपल हैं। कंपनी का नेम पाकिस्तान एयर फोर्स PAF है और ये इनका एड्रेस है। अच्छा, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर, लैब टेक्नीशियंस, लैंड सर्वे, मटेरियल इंजीनियर, MEP इंजीनियर। अप्लाई का प्रोसेस करने कैसे अप्लाई करना है तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन टू चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर को आपने सेंड करनी है। योर एप्लीकेशन मस्ट रीच विद इन 15 डेज़, क्योंकि लास्ट डेट इसकी जो सी है यहाँ पर 10 जुलाई है, तो 15 दिन ही बनते हैं आई थिंक। तो देन आपने क्या करना है, सॉरी, 13 से 14 दिन बनते हैं। तो ठीक है, उसके बाद जो सा है आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे ही अनाउंस की फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आपने जो सा है वो टेस्ट, जो टेस्ट आपका, आपकी टेस्ट की डेट कौन सी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन वॉल फॉर टेस्ट होगा, मतलब कोई इसके लिए आपने, आपके पास जो मैसेज वगैरह होगा या कोई स्लिप वगैरह होगी, तो वही जो सा है आपकी टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा वॉल फॉर टेस्ट, मतलब आपको सिंपली टेस्ट के लिए आना होगा या इंटरव्यू के लिए। और ये किसी भी दिन, इंटरव्यू विल नॉट बी ग्रांटेड एनी टाइम और एनी डेट, आपसे वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेंगे। तो अच्छा, इसकी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो ये इसकी प्रोसेस हैं। ये देखें, इसकी पोस्ट के सामने एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है और यहाँ पे लोकेशन भी रिक्वायर्ड है। सिंपली आपने जो सा है यहाँ गिवन एड्रेस के ऊपर अपनी CV को जो सा है वो पोस्ट करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर जॉब्स की अपडेट मिल जाए। और वैसे भी जो सा है 95% से ज़्यादा लोग जो सा है वो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अदर रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरा एक और चैनल भी है जिसमें आप एक्सेल की और एजुकेशन्स की वीडियो इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।